नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। हाथरस गैंग रेप केस में सीबीआई की चार्जशीट यूपी पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में माना है कि पीड़िता के साथ अमानवीयता की हदें पार कर दी गई और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। गौरतलब है कि हाथरस की पुलिस पीड़िता के साथ गैंगरेप होने की बात को नकारती रही। सीबीआई जांच में यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि पीड़िता और आरोपी संदीप के बीच प्रेम संबंध थे। सीबीआई रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना वाले दिन पीड़िता ने संदीप को बुरी तरह से फटकार लगाई थी, जिससे आहत होकर संदीप ने अपने साथियों के साथ इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया। क्या कह रही है सीबीआई की चार्जशीट? चार्जशीट में यूपी पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें साफ लिखा गया है कि पीड़िता जब अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, तो उसने मौत से पहले दिए बयान में साफ तौर पर तीन लोगों का नाम लिया था जिन्होंने उसके साथ दरिंदगी की थी, लेकिन पुलिस ने केवल एक ही नाम लिखा। इस पूरे प्रकरण में पीड़िता बिटिया के मामले की जांच में पुलिस का रवैया कितना घिनौना रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल के बिस्तर पर तिल तिल कर मर रही पीड़िता ने अपने साथ दरिंदगी होने की बात कही। लेकिन पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में होने वाला मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया। सीबीआई ने पीड़िता के साथ दरिंदगी करने वाले चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। ये चारों दरिंदे ऊंची जाति से आते हैं। इन चारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 डी, 302 और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई है। इन चारों के नाम हैं संदीप, उसका चाचा रवि, उसके दोस्त रामू और लवकुश। आरोप है कि इन चारों ने पीड़िता पर 14 सितंबर के दिन जानलेवा हमला किया और गैंगरेप किया। 15 दिन बाद पीड़िता दिल्ली के एक अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। यह चार्जशीट बताती है कि पीड़िता और संदीप एक दूसरे के पड़ोसी थे और एक दूसरे को भली भांति जानते पहचानते थे। 2-3 साल पहले यह जान पहचान प्रेम संबंधों में परिवर्तित हो गई। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इस बात के सबूत हैं कि ये दोनों समय समय पर अकेले में एक दूसरे से मिलते रहते थे और तमाम गांव वालों ने इस बात की गवाही भी दी है। चार्जशीट में यह बात भी कही गई है कि संदीप के पास 3 फोन नंबर थे और कॉल रिकॉर्ड में यह बात सामने आई है कि संदीप के इन नंबरों से उन फोन नंबरों पर तमाम कॉलें की गई जो पीड़िता के परिवार के थे। हालांकि पीड़िता के परिजनों ने पूछताछ में कहा है कि उन्होंने संदीप से कभी भी फोन पर बात नहीं की। बाद में पीड़िता के परिजनों को संदीप और पीड़िता के बीच फोन पर बातचीत होने का पता चला, तो उन लोगों की संदीप के परिवार वालों से काफी झगड़ा भी हुआ। इस झगड़े के चश्मदीद गवाह रहे तमाम गांव वालों ने सीबीआई के सामने इस बात की पुष्टि की है। यहां तक कि पीड़िता के परिवार वालों ने गांव के प्रधान के बेटे से भी इस बात की मौखिक शिकायत की। हालांकि पीड़िता के भाई ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि उसकी बहन और आरोपी संदीप के बीच कोई भी जान पहचान नहीं थी। पीड़िता के भाई का आरोप है कि संदीप को कहीं से उनके परिवार का फोन नंबर मिल गया था और वह कई बार फर्जी नाम से उन नंबरों पर कॉल और मिस्ड कॉल किया करता था। इसके अलावा पीड़िता और संदीप की कभी भी फोन पर बात नहीं हुई। पीड़िता के भाई का आरोप है कि पूरा गांव उसके परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ है और वे सभी लोग इस अपराध को झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं, जिसके चलते वे लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। सीबीआई ने आरोपी संदीप और पीड़िता के कॉल रिकॉर्ड की गहनता से जांच की तो कई तथ्य निकलकर सामने आ गए। कॉल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण बताता है कि अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक संदीप और पीड़िता के परिजनों के नंबर पर कई बार बात हुई। इन कॉल रिकॉर्ड्स के पैटर्न की जांच करने पर सीबीआई को पता चला कि इनमें से कई कॉल ऐसी हैं जो पीड़िता के परिजनों के नाम दर्ज नंबर से आरोपी संदीप के फोन नंबरों पर की गई।
ये कॉल्स काफी कम अवधि की रही। इसके तुरंत बाद संदीप के फोन नंबर से पीड़िता के परिवार के नंबरों पर की गई कॉल्स का ब्यौरा मिलता है, जो काफी लंबी अवधि की है। सीबीआई ने इन कॉल रिकॉर्ड्स को आधार बनाकर चार्जशीट में यह साबित किया है कि पीड़िता और संदीप के बीच प्रेम संबंध था और मार्च 2020 तक इन दोनों के रिश्ते अच्छी तरह से चल रहे थे। हालांकि जांच में यह बात भी सामने आई है कि मार्च 2020 के बाद पीड़िता के परिवार के नंबरों और संदीप के फोन नंबरों के बीच कॉल किए जाने के रिकॉर्ड नहीं मिलते, जो यह दर्शाते हैं कि मार्च 2020 के बाद से इन दोनों के रिश्तों में किसी तरह की गड़बड़ जरूर हुई थी। हाथरस मामले की जांच सीबीआई के हवाले किए जाने के तुरंत बाद ही एजेंसी ने एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल बोर्ड का गठन किया था, जिसमें एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट शामिल थे। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।